वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं डंडियाली कैफे। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज डंडियाली कैफे की, यहाँ पे गढ़वाली सारा जो भी हमारा कल्चर का जो भी खाना वाना है यहाँ पे सब बताया गया है, और खाना सारा यहाँ मिलता है, जैसे कि कोदा, झंगोरा, झुमरे की खीर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊँगी जाके, आपको वहाँ ले के जाती हूँ और बताती हूँ वहाँ क्या क्या मिलता है। अभी आगे मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ता। कैफे और यहाँ पे भी जो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और अभी फिर हम चलते हैं अंदर कैफे की तरफ। जैसे कि आप देखोगे, अभी आप देख भी रहे होंगे, जैसे कि ये जो कैफे है डंडियाली कैफे, तो हमारे गढ़वाली कल्चर को काफ़ी रिलेट ये करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ ढोल वाले बनाए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे स्टैचू भी बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ के, और काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी गाय बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गढ़वाली कल्चर को यहाँ पे रिलेट करती है, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के कि इन लोगों ने मतलब हमारी धरोहर को ऐसे संजोल के एक जगह पे रखा है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी जो हमारी गढ़वाल से रिलेट करती है, और खाना तो यहाँ का बेस्ट है ही। सो अभी हम खाएंगे और आपको बताएंगे बाकी। सो जैसे कि आप देख रहे हो, आज मौसम अच्छा है तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं गढ़वाली खाने के लिए, और यहाँ पे हमारी जो गढ़वाली संस्कृति है उसको देखने के लिए काफ़ी कुछ एक जगह पे मिल जाता है, तो लोग बहुत मतलब आते हैं यहाँ पे, काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पेंटिंग बनाई गई है जो कि पूरा गढ़वाली परिधान में एक महिला को इन्होंने बनाया गया है, और काफ़ी कुछ यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि तांबे के गिलास, लोटा, रेडियो, हुक्का, काफ़ी कुछ यहाँ पे रखा गया है जो हमारी गढ़वाली संस्कृति को यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि आप देख रहे हो पठाल वाली मकान, और इनका जो भी घर था जिनका भी है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मिट्टी के घर उनका जो रहा होगा, काफ़ी अच्छा इन्होंने होम स्टे भी यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसे करते हैं, और यहाँ पे जो खाना है उसका तो अलग ही मज़ा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो ये पठाल की मकानें होती हैं, और जो ये सेकंड फ्लोर, यानी कि अब सेकंड फ्लोर बोला जाता है, लेकिन हमारे गढ़वाली में इसको बोला जाता है डंडियाली। और जो ये आप हिस्सा देख रहे हो यहाँ पे, जो भी ये देख रहे हो, इसे कहा जाता है जो लकड़ी से बने होते हैं, इन्हें तिवार बोला जाता है, जैसे कि आपने गढ़वाली गानों में भी सुना होगा तिवार का नाम, तिवारी में बैठा होला बाबा जी उदास, तो यही तिवारी होती थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, हमारी थाली आ गई है जो हमने यहाँ मंगवाई थी। यहाँ पे आप कोदे की रोटी, छाँस, काफली, और चैसा है यहाँ पे, और झंगोरे की खीर, लाल चावल का भात यहाँ पे बनाया हुआ है इन लोगों ने, और रोटी, हमने काफ़ी रोटियाँ भी यहाँ पे खाई है, मंडवे की रोटी, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है गढ़वाली खाना, आप मंगवा सकते हो यहाँ पे। मेन्यू भी मतलब सारा गढ़वाली खाना यहाँ पे मिलेगा आपको, जो जो आपको खाना है। और मेरे को सबसे अच्छी लगी भंगजीरे की चटनी। काफ़ी सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, और जो ट्रायंगल शेप में जो बने हुए हैं वो आपको दिख रहे होंगे, इनको खदरा बोलते थे। यहाँ पे पहले के ज़माने में काफ़ी घरों में बने होते थे, अंदर भी और बाहर भी, काफ़ी सामान रखने के काम भी आते थे, और लाइट के लिए भी ये ज़रूरी होते थे। उस टाइम में लाइट की सुविधाएँ नहीं थी, तो चिमनियाँ जो होती थी वहीं पर रखी जाती। तो हम आए इस रूम में अभी। भाई को जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे होम स्टे के लिए रूम भी अवेलेबल है, तो काफ़ी हमने एक रूम जाके देखा, तो ये काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे एक वॉल पूरी पेंट की गई है, जैसे कि आप देखते होंगे पत्थर के घर, तो यहाँ पे पत्थरों पे अच्छे अच्छे अलग अलग कलर से काफ़ी अच्छा पेंट किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो
काफ़ी अच्छे ये रूम डेकोरेट किए गए हैं। यहाँ पे खाने के लिए भी यहाँ पे पूरी सुविधाएँ यहाँ पे दी गई हैं और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करा गया है। हमने यहाँ पे देखा जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गिंजाली भी यहाँ पे है, जिस पे हम पहले धान कूटते थे, और छाछ बनाने के लिए जो परिया जो बोलते हैं वो भी यहाँ पे रखा गया है, कंडियाँ यहाँ पे रखी गई है, काफ़ी कुछ। एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे लिखा है आवा भगत होली फिर आया डिंडियाली, डिंडियाली माँ हम सबों की धरोहर छौ, सेती ख्याली डिंडियाली माँ। काफ़ी टाइम से सोची थी यहाँ आने का, सो फाइनली मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ पे देखा, काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे लगा। सो अब हम चल रहे हैं रूम की तरफ। पहुँच गए हैं मैं रूम पे और हम आ गए हैं मंडी से भी वापस। आज यहाँ पे मंगल बाज़ार लगता है जहाँ पे कि सब्जी वगैरह की मंडी लगती है, तो मैं आ गई हूँ वहाँ से सब्जी वब्जी लेके वापस। मैं और बिजू आ गए थे और सब्जी लेके हम लोग आ गए हैं। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग।